दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि BTS ने कुछ टाइम पहले ही अनाउंस करा कि वो कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी आर्मी को ये लगने लगा कि BTS डिसबैंड हो गए हैं। लेकिन BTS डिसबैंड नहीं हुए थे, BTS ने बस कुछ समय के लिए अपना ब्रेक लिया था। जिसके बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों का मेरे को इंस्टाग्राम पर DM एंड कमेंट आ रहा था कि दे BTS इस लॉन्ग ब्रेक में क्या क्या करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि दे क्या BTS इस लॉन्ग ब्रेक में किसी को डेट भी कर सकते हैं या नहीं, या किसी को उनको डेट करने का प्लान है। सो दोस्तों, अगर आपके भी माइंड में ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि BTS इस ब्रेक में क्या क्या करने वाले हैं। ओके, सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि हमारी कोई भी वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पहुंच सके। एंड साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, BTS ने ये अनाउंसमेंट जब करा जब BTS अपने 9th एनिवर्सरी की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ पर BTS ने लाइव आके आर्मी से शेयर करा कि वो एक लॉन्ग ब्रेक के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि RM ने ये भी शेयर करा कि एक K-pop आइडल की लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी और बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, जिसमें कि वो पूरी तरीके से खो जाता है और यहाँ तक कि वो आइडल अपने आप को भी नहीं पहचान पाता है। इसी वजह से हम भी 10 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं और हमें रेस्ट का भी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं इन सब चीज़ों से। हम इन 10 सालों में लगातार इतना काम करते आ रहे हैं कि हम अपने बारे में भी अच्छे से नहीं जानते, सो इसीलिए हम एक लॉन्ग ब्रेक लेना चाहते हैं। एंड आपका ये क्वेश्चन कि BTS इस ब्रेक में क्या क्या करेंगे, तो इस पर भी RM ने शेयर करा कि इस ब्रेक में हम सभी अपने सोलो करियर पर फोकस करेंगे एंड एज अ ग्रुप थोड़ा सा कम काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, बट थोड़ा सा कम काम करेंगे एंड अपने सोलो करियर पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, जिसके बाद हम अपने आप के बारे में भी थोड़ा सोच सकते हैं और अपने आप को थोड़ा रेस्ट भी दे सकते हैं। सो दोस्तों, इस ब्रेक में हमें कुछ BTS के सोलो सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। हर एक BTS के आप अलग अलग सोलो सॉन्ग्स देख सकते हो, या फिर किसी BTS मेंबर को आप एक्टिंग जस्ट लाइक के ड्रामा या किसी और एक्टिंग में भी देख सकते हो। सो दोस्तों, ये थोड़ा सा बुरा हो सकता है, क्योंकि BTS पहले की तरह ज़्यादा ग्रुप में वर्क नहीं करेंगे, बट हमें भी BTS के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। वो अपने सोलो करियर पर फोकस करना चाहते हैं, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनके सोलो करियर को भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार देना चाहिए। सो ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करें, जो आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि BTS इस ब्रेक में किसी को डेट कर सकते हैं या नहीं। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि BTS ने इस ब्रेक में अपने आप को टाइम देने के लिए टाइम मांगा है, और साथ ही अपने सोलो करियर को इम्प्रूव करने के लिए और अपने कुछ सोलो सॉन्ग लेकर आने के लिए ब्रेक मांगा है, ना कि किसी को डेट करने के लिए। ऐसा BTS ने बिल्कुल भी नहीं बोला है कि हम किसी को इस ब्रेक में डेट करेंगे या फिर शादी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। BTS के सभी मेंबर ने बस थोड़ा सा ग्रुप वर्क में ब्रेक लिया है, वो अभी भी अपने सोलो करियर पर बिजी हैं, वो अभी भी अपने सोलो करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इस बीच BTS सच में किसी को डेट करते हैं, तो डोंट वरी, BTS हम सभी आर्मी को ज़रूर इस बात के लिए शेयर करेंगे कि वो किसको डेट कर रहे हैं या फिर किससे शादी करने वाले हैं। बट अगर ऐसा होता है तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि BTS सच में किसी को डेट करने वाले हैं, ओके? क्योंकि BTS ने ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करा है कि वो किसी को डेट करेंगे इस ब्रेक में। BTS ने सिर्फ यही बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने सोलो करियर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे और टीम वर्क थोड़ा सा कम करेंगे, टीम के साथ थोड़ा सा कम ही दिखाई देंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए है और BTS जल्दी ही वापस आ जाएंगे और फिर से साथ में टीम वर्क के साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो आई होप दोस्तों, आप सभी के डाउट जो भी हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड साथ ही आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको BTS का ये डिसीजन कैसा लगा, ओके? सो साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस याद से कर लेना। सो दोस्तों, इसी साथ चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस। अपना और अपने फैमिली का जरूर ध्यान रखना।